कॉम सब दोस्तों को युवा स्वास्थ्य डीवीएम स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल पे हम खुशामदीद कहते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाके आपने युवा स्वास्थ्य सर्च करना है। युवा स्वास्थ्य सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने सबसे पहले अपने CNIC नंबर इधर पे पुट करना है। उसके बाद इधर पे जो सारी डिटेल है, ये जो सारी डिटेल है ये आपने इधर पे फिल करनी है। मतलब आपने अपना नाम, अपने फादर नेम, कंट्री, प्रोवेंस, डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, कॉन्टेक्ट नंबर और परमानेंट एड्रेस और मिलिंग एड्रेस। आपने मिलिंग एड्रेस पे ये जो ऊपर वाला जो परमानेंट एड्रेस आपने दिया है वो आपने इधर पे पुट करना है। इधर पे नीचे अपलोड इमेज पे आपने अपना पिक्चर अपलोड करना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप जाने के बाद आपने क्लिक टू ऐड प्रोग्राम पे आपने ऐड क्लिक करना है। इस पे आपने जो सर्च प्रोग्राम डिग्री है इसमें आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपने डीवीएम में अप्लाई करनी है तो बैचलर को सेलेक्ट करेगी, अगर डीवीएस में आए तो आपने नीचे डिप्लोमा पे क्लिक करना है। इसके बाद प्रोग्राम बाई डिपार्टमेंट, इसमें आपने डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी साइंस पे क्लिक करना है। अगर आप ओपन मेरिट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है सीरियल नंबर फर्स्ट डीवीएम ओपन मेरिट सीट, इस पे अप्लाई करने। अगर बाकी आपने PVMC वगैरह इस सीट में अप्लाई करनी है तो नीचे का ऑप्शन आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने इधर पे ये अपने ACC और HCC के जो नंबर वगैरह है वो आपने इधर पे पुट करने हैं। ये नंबर पुट करने के बाद आपके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने अपनी सारी जो डिटेल आपने पीछे पुट की है वो आपने इधर पे चेक करनी है कि इसमें कोई गलती तो नहीं की है मैंने। बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट के बाद डाउनलोड फॉर्म पे जाना है। डाउनलोड फॉर्म के बाद आपके साथ इस तरह का फेस ओपन हो जाएगा। तो आपने इधर पे आपका एग्रीगेट बन गया है, अभी देख लो। तो इसके ऊपर आपने भी एक पिक्चर भी लगाना है और जो डिटेल इससे रह गई है ये भी आपने प्रिंट करना है। इसके बाद ये जो ACC वगैरह जितनी भी डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहे हैं ये आपने अटेस्टेड करके आपने जमा करने हैं। तो इसके बाद आपने डाउनलोड चालान पे जाना है। डाउनलोड चालान पे जाने के बाद वो भी आपने डाउनलोड करना है। तो आपने यूनिवर्सिटी के ये 1500 रुपये जो है ये आपने द बैंक ऑफ खैबर में आपने जमा करने हैं और ये पैसे जो है ये आपको वापस नहीं करेंगे। तो आपने फाइनेंस और ये जो ऑफिस कापी है ये वो जो फॉर्म है उसके साथ स्टेपल करना, स्टेप में जमा करना है।